अभी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पे क्रिएटिव्स आए हैं उनके साथ आपकी बात कराई जाए। आई हैव वेरी स्पेशल पर्सन विद मी हिज नेम इज दीपक, इज फ्रॉम डूडल ब्रोस, सो ही विल बी टॉकिंग अबाउट हिज क्रिएटिव प्रोसेस एंड समथिंग अबाउट डूडल ब्रोस। ओके, सो लाइक डूडल ब्रोस इज बेसिकली अबाउट द वेक्टर पोर्ट्रेट्स एंड वी आर गोइंग टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब हम लगे हुए हैं, एफर्ट कर रहे हैं, डीप इनटू हिज वीडियो एंड या मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बस मैं यही बोलूंगा कि दैट वी आर जस्ट फिगरिंग आउट लाइफ, वी हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स और ये मैं सबको बोलूंगा कि किसी एक चीज पे सेटल होने से पहले यू शुड ट्राई, सो दैट्स द थिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग आउट थिंग्स और अभी तक जो भी डूडल ब्रोस का लेवल है वी आर गुड, वी आर गोइंग गुड और मोर बेटर, दैट्स इट, वी आर 1% पीपिंग अप। या ही इज आवर बडी, या सो आई हैव आवर ब्रांड एंबेसडर। सो गाइस, लाइक एक ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसकी ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फोटोग्राफी आती है और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मॉडल्स का। सो धनजोत वॉज मॉडलिंग फॉर डूडल ब्रोस, सो ही विल बी शेयरिंग सम ऑफ हिज एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन योर वीडियो, सिंग्स पर्सपेक्टिव टू यू, टू योर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली डूडल ब्रोस, ही सिंग्स पर्सपेक्टिव, या एग्जैक्टली, माय गॉड, ओके। सो इफ अ मॉडल ट्रीट्स यू शिट, ओके, यू हैव टू बीप दिस आउट राइट, इफ अ मॉडल ट्रीट्स यू लाइक इफ इट टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, Just do not collaborate such people. Yeah, हुआ था जोत के साथ, somebody approached him और मतलब जब इसने कुछ बोला कि पता नहीं कंसेप्ट पसंद नहीं आया तो she was like भाड़ में जाए ऐसा कुछ ना, he was a friend of mine, जोत ने बड़ी सही उन्हें दिखाया था उन्हें, basically I tagged that model, I was calling her out directly, that's how it works, because see if you are not respecting someone on social media, like that's the least you could do, man, that's the least you could do. If you're not respecting someone's beliefs, someone's thoughts, or even like someone's basic requirement of, you know, doing a shoot in a certain way, if he wants to get it paid, if a photographer wants to do a paid shoot, why not? I mean, like, that's how it works. If he wants to get paid, he deserves it, right? So that's why. Guys, जैसे कहते हैं ना कि इज्जत दो और इज्जत लो, ठीक है? In the end, you should be like valuing your work, regardless of the fact कि आपके followers ज़्यादा हैं या कम हैं। आप अपनी respect करोगे तो दूसरा बंदा भी आपकी। Take an example कि मैं हमेशा कहता हूँ कि means always go with the good word, है ना? हमारी वेक्टर पोर्ट्रेट्स की नीच में ना, इफ यू विल सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है, देयर इज अ पर्सन जी वर्ल्ड 1234, ठीक है, उसकी वो खाली जो हम बनाते टाइम के स्पीड आर्ट बना के यूट्यूब पे पुट करता है एंड हिज वीडियोस आर गोइंग मिलियन प्लस व्यूज, ठीक है, एंड रिसेंटली ही फॉलोड अस एंड इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ वन गुड वर्ड। तो मैंने उसके रिसेंट पोस्ट पे एक कमेंट डाला था, सही सा, बस मेरी टाइमिंग सही हो गई थी, मैं उस दिन पूरी रात लगा रहा था काम में और वो अंग्रेज लोग मतलब उसी टाइम जगे होते हैं, ठीक है, तो उसने पोस्ट करा, आधे घंटे मैंने कमेंट कर दिया और उसने नोटिस करा उसे एंड रियली चेक्ड माय वर्क, ही फॉलोड अस। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे किसी बंदे को हम पसंद करते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे बंदे को जब पसंद करता है ना तो पूरा साइकिल कम्प्लीट होता है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं सिद्धू मूसेवाले का फैन हूँ और सिद्धू मूसेवाले ने भाई इनका कंटेंट शेयर किया तो समझ रहे हो डायरेक्ट रिश्ता बन रहा है यहाँ पे। भाई उससे मिलेंगे, सारे मिलेंगे, डोंट वरी, एक दिन जरूर आना है। सो लाइक वर्ड टू ऑल द आज किसी ने कल किसी ने कमेंट करा था कि मतलब वी आर ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला, तो हम मैंने रिप्लाई करा था मुलाकात को टीम। सो गाइस कंटिन्यू करो फिर, तो किसी ने कमेंट करा था कि दैट आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला, तो मैंने बोला वी आर नॉट फैंस, ओके भाई है वो अपना रिश्ता। सो गाइस, अब मेरे साथ एक और बहुत अल्ट्रा किस्म का आर्टिस्ट, आप दोनों अपने जो क्रिएटिव पैशन है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बोलो, स्टार्टिंग फ्रॉम गुरदीप पाजी, ही इज अमेजिंग सिंगर।
So he'll be telling something about like creative process ki kisi creative bande no jo tanu follow kare udhar se tadi ki choti ji advice hai fast very fast ji advice hai bas mehnat karde raho tonu nahi pata toda mukam kithe hai ga raste je kinne log ki aanage kadi kisi matlab agar tonu kadi koi gaan waste gaye kuch bhi koi bhi art hai tusi na pesh kar do kyun kyunki tonu jehde log ki jinne bhi dekh rahe ne na kuch nahi pata kide vich ki hai te kidi blessing tonu lag jaye aur shayad ohi toda life da turning point hai sab to zyada te main sirf ehi kehna chahwanga ki perform karde jao mehnat karde jao टेंशन नहीं लेनी मैं कह रहा लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो करी जाओ कुछ ना कुछ बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे लाइफ से मेरे भी आंदे ने हाले तक आ रहे ने फेस कर चुके हैं काफी और काफी ज्यादा वो हैगे सी कि आज तक डर लगता है उस चीज नाल बट कोई नहीं किसी ने बड़ा कमाल किया उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देख खुदा क्या करता है क्या बात सो नाउ रिची विल बी टेलिंग समथिंग अबाउट द वर्क दैट ही डज सो ही इज लाइक रियली गुड इनटू मोशन ग्राफिक्स राइट विजुअल आर्ट या विजुअल आर्ट सो विजुअल आर्ट एडिटिंग तो मेरे कहने का मतलब है तुम अब 5-10 सेकंड की वीडियोस बनाते हो सो कंसेप्ट कहाँ से आता है क्या कंसेप्ट मार्केट से आता है यार मतलब लोगों के से आता है अब जैसे मैं सीपी में था उस दिन सो सीपी में जस्ट बैठा हुआ था और मैंने 2-3 चीजें रिकॉर्ड की आया मैंने देखा कि मैं क्या एडिट कर सकता हूँ वो एक सीरीज बन गई मेरी हाँ उसमें एक बहुत फाइनल चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे वीडियो 10 सेकंड की होती है बट उसमें असल में 10 सेकंड लगते हैं या कितना टाइम लगता है लोगों को सच बता दो भाई कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी 3 दिन भी लग जाते हैं और कभी कभी 5 मिनट भी लग जाता है सो गाइस आप समझ रहे हो छोटे से काम को टाइम कितना लगता है हम सोचते हैं कि 5-10 सेकंड के अंदर वो वीडियो कम्प्लीट होगी बट इट्स ऑल द एफर्ट ऑल द लर्निंग दैट This guy has done over the time, और उसको हम 10 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे थे राइट और मेरे साथ एक और बहुत अमेजिंग बंदा इज अ बीट बॉक्सर सो आई डू स्टफ लाइक जेड़े चीते होंगे ना जेड़े एकदम शो शो खिंच के ले जाते हैं बंदे वॉज योर प्रोसेस और कितना एफर्ट लेगा अभी जैसे 5 मिनट का कोई पीस आपको परफॉर्म करना हो तो आप अभी कर देते हो बट उसके पीछे कितना एफर्ट लगा ओवर द टाइम मैं पहले ड्रमिंग करता था बीटबॉक्सिंग ऐसा कोई सीन नहीं पता था मेरे को दोस्तों ने मेरी बीटबॉक्सिंग दिखाई थी मेरे को पता भी नहीं था बीटबॉक्सिंग होती क्या तो मेरे को पता लगा बीटबॉक्सिंग होती क्या मेरा इंटरेस्ट जगह पहले बहुत मजाक उसके बाद एक एक साउंड जैसे छोटी साउंड जैसे ये साउंड है इस साउंड को सीखने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को तो इसके पीछे लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिस्ट दिखते हैं परफॉर्म कर रहे हैं उनको उनका पीछे का एफर्ट नहीं दिखता तो वो चीज है कि हाँ धीरे 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 एक एक स्टेप कर करके जोड़ जोड़ के आज ये होता है कि आज कोई भी अगर मेरे को कोई सॉन्ग भी मेरे सामने गा रहा है कोई ऐसा कुछ भी गा रहा है तो मैं एट ए टाइम कर सकता हूँ सो गाइस जिसको कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट कि एक चीज आपने सीखी बट नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरी चीज कर रहे हो तो आपको पुरानी चीज आती है तो वो एड अप होता रहता है सो रियली यार थैंक्स फॉर शेयरिंग योर प्रोसेस यार मेरे साथ एक मेरे बहुत अमेजिंग फ्रेंड दशमीत आर्ट इज विद मी द फोटोग्राफर हो गए इलस्ट्रेटर और बहुत कुछ सो ही विल बी टॉकिंग अबाउट हिज क्रिएटिव प्रोसेस छोटी छोटी चीजें हैं जो बंदा अपनी जिंदगी में जीता है और महसूस करता है उसको किसी भी तरीके से वो अगर प्रेजेंट करना चाहता है इन एनी क्रिएटिव फॉर्म तो उसको करना चाहिए नो मैटर वॉट ही इज डूइंग एज अ प्रोफेशन और एज एन इंडिविजुअल तो ये मेरा मेन पीछे का वो रहता है कि हर एक छोटी सी मेट्रो में जाते हुए कुछ हो रहा है सो उसको काइंड ऑफ सो यू आर सीइंग लाइक फॉर यू इट इज मोर ऑफ अ एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट यू सी व्हाट यू कंज्यूम एक तरीका है आपका या पेश करने का व्हाट आई एक्सपीरियंस इन माय लाइफ और व्हाट आई सो बहुत बार ऐसा हुआ जैसे अमरिंदर पाजी और हम काफी बार बात कर रहे होते हैं और बात करते करते कई ऐसी चीजें होती हैं जो टॉपिक स्टार्ट होता है उससे टॉपिक से अलग ही होती है लेकिन जब घर जाके उन चीजों के बारे में सोचते हैं तो एक अलग ही नजरिया मिलता है चीजों को देखने का तो वो so guys, बात है पर्सपेक्टिव की सिंग इस पर्सपेक्टिव चैनल को आप देख रहे हैं सारी बात पर्सपेक्टिव की है तो एक अपने आप को एक चीज में बांधो मत ढूंढो पर्सपेक्टिव हो दूसरों के नजरिए से देखने की कोशिश करो उस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव नहीं है लेकिन so guys, पर्सपेक्टिव बात कंक्लूजन की ये है कि जैसे अगर सिंग्स पर्सपेक्टिव है ठीक है सिंग्स पर्सपेक्टिव है बट इट्स नॉट की सिंग्स पर्सपेक्टिव इज द ओनली पर्सपेक्टिव और योर पर्सपेक्टिव इज ओनली द पर्सपेक्टिव
पॉइंट इज कि एक ही चीज को जब हम अलग नजरिए से देखते हैं ना, नजरिया चेंज होता है ना, तो पूरे नजारे बदल जाते हैं। तो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है हर चीज को देखने का। तो अगर कोई कुछ और पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तुम कुछ और पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, आपस में भिड़ने की भी जरूरत नहीं कि नहीं ये ऐसे ही है। रिस्मुलर कंक्लूड करिए, सब दी रिस्पेक्ट करो। हाँ, ते ताड़ा पर्सपेक्टिव बढ़िया, दूजे आदमी भी सीखो, ते मतलब ग्रो करो। राइट, ओहो दिस इज इट। सो गाइस, अपनी पगड़ियां सेट करके बिल्कुल सॉर्टेड करके अब हम भी टाइप की पगड़ी मिल जाएगी, आधी दिल्ली वाली, पूरे यूके वाली और पंजाब वाली। सो सारी बात जो थी वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुलाकात का मतलब होता है कोलैबोरेट करना, नए बंदों से मिलना, और जो उनके लाइक काइंड ऑफ डिफरेंसेस है, या आप कह सकते हो कि एक बंदा दूसरे से अलग है। जैसे आप अभी आप इस केस में देख सकते हो कि हम सबकी पगड़ियां अलग अलग है। तो पॉइंट जो है, पॉइंट ये है कि दूसरे के जो स्टाइल है उसको एम्ब्रेस करना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हरकृष्ण सिंह, सो इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड डेलीवेयर। So tell one thing about Deliware that is like very close to you. One thing that is very close to me is the inclusivity of my brand. So the brand stays open, and here goes the philosophy also. The philosophy that Dukaan is open for all. So that is something that is very close, very important part of it. So like when you are like looking for models, what are you looking for? Are you looking for people who look amazing, or like is there any story that you look for? I look for the personality and I look for the diversity, which is something that is very very important and inclusivity. So last thing that I want to do is put my brand in a box, ki Delhi wear hai ya Punjab wear hai ya kuch hai. Yeah. Right. That's the only thing that I look for. So Manindar Pari, would you like to add on to this thing? What was the question? So Navneet, what would you like to talk about right now? I would like to spontaneous talk, something. Spontaneous is that we just wrapped up our Mulaqat 2.0, which was a huge success because of the team, and और कुछ creative process के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें, इतने creative बंदों को आप आज मिले हैं। So as everyone said that shared their journey, एक ही बात बोलना चाहूंगा, do what you love.